दोस्तों gkghar.com से अपना PDF को 20 पेज प्रिंट फ्री में करवाई, वो भी फास्ट डिलीवरी के साथ। तो दोस्तों आज ही अपना ऑर्डर प्लेस करें। तो दोस्तों आज का वर्ड ऑफ डे इस प्रकार है, मन बहुत उदास है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मन बहुत उदास है को इंग्लिश में माई हार्ट इज वेरी सैड कहते हैं। नेक्स्ट है मन ही मन खुश होना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मन ही मन खुश होना को इंग्लिश में टू बी हैप्पी कहते हैं। नेक्स्ट है मन खराब होना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मन खराब होना को इंग्लिश में बैड मूड कहते हैं। नेक्स्ट है पढ़ाई में मन नहीं लगता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों पढ़ाई में मन नहीं लगता को इंग्लिश में डू नॉट फील लाइक स्टडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मनपसंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मनपसंद को इंग्लिश में चॉइस ऑफ माइंड कहते हैं। नेक्स्ट है मन बदलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मन बदलना को इंग्लिश में चेंज ऑफ माइंड कहते हैं। नेक्स्ट है मन भर जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मन भर जाना को इंग्लिश में फिल योर माइंड कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा मन नहीं है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मेरा मन नहीं है को इंग्लिश में आई डू नॉट माइंड कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा मन कर रहा है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों मेरा मन कर रहा है को इंग्लिश में आई वांट टू कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।